हरियाणा में 12 मई को मतदान होना है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा में होने वाले चुनाव में क्या क्या खास है। थारा उम्मीदवार है और अगर बात करें बाकी सीटों की तो कुरुक्षेत्र से 25 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 सीटें हैं और 10 सीटों में कई उम्मीदवार हैं जो इस वक्त चुनावी रण में है। सिरसा से 21 उम्मीदवार हैं जो चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अगर बात करें हिसार से तो 28 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी रण में हैं और कुलदीप बिश्नोई का एक गढ़ माना जाता है। अगर बात करें करनाल की तो 21 उम्मीदवार इस वक्त करनाल से चुनाव लड़ने वाले हैं। सोनीपत से 29 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। अगर बात करें लोकसभा प्रत्याशियों की तो 29 उम्मीदवार सोनीपत से हैं। वहीं रोहतक से 22 उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ है ये सीट। वहीं अगर भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो 22 उम्मीदवार चुनावी रण में है। कभी बंसीलाल की विरासत इस सीट को माना जाता है। गुरुग्राम से 27 उम्मीदवार चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फरीदाबाद से 27 उम्मीदवार इस वक्त ताल ठोक रहे हैं। कुल मतदान 1,79,49,49 है। अगर कुल पोलिंग स्टेशन की बात करें तो 19,425 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मतदान केंद्र बनाए गए हैं 90। कुल आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं 90। हरियाणा पुलिस के 26,000 से ज्यादा जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था मतदान के दिन बनाए रखी जा सके। 14,000 के करीब होम गार्डों की तैनाती की गई है सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के मद्देनजर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 65 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। वहीं प्रदेश भर में 361 जगहों पर नाकेबंदी भी की जाएगी मतदान के दिन ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। 390 स्टेटिक सर्विलेंस टीमें मौजूद रहने वाली है मतदान के दिन। वहीं 454 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हरियाणा में तैनात की गई है। 119 वीडियो व्यूइंग टीमें भी चुनाव में तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी के मद्देनजर नजर रखी जा सके। 181 वीडियो सर्विलेंस टीमें भी लगाई गई हैं।